ग्वालियर जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चरमराने की स्थिति में पहुंच गई है। आपको बता दें कि पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। साथ ही शहर भर को गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल देने के लिए नगर निगम ने कई इंतजाम भी किए हैं, जिसके चलते नगर निगम दावा कर रहा है कि शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले तिगरा बांध में फिलहाल 31 जुलाई तक का पेयजल आपूर्ति के लिए पानी का स्टोरेज है। इसके तहत ही नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने बताया कि पिछली परिषद की बैठक में शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। यदि अगले 2 महीनों में पानी की स्थिति संतोषजनक नहीं रहती है तो पहसावी और ककेटो बांध से पानी तिगरा के लिए लिफ्ट करना होगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और शासन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये है, पहले ही परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें शहर में एक दिन छोड़ के एक दिन जल की आपूर्ति की जानी थी। उसमें भी आज के हिसाब से भी 31 जुलाई तक का हमारे पास पानी है। उसके अलावा भी हम लोग ने शासन से ये भी मांग की है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें कुछ डेड स्टोरेज पे सारी सफर कैकेटों से लिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसका भी टेंडर तैयार है। और बाकी जो जल सप्लाई की व्यवस्था उसको हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी मैं दीनदयाल नगर साइट गया था, वहाँ की जो प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों ने उसका एड्रेस करने का प्रयास किया है। तो अभी पानी की स्थिति कहीं ऐसी नहीं है कि लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हों, जो भी आती है हम लोग उसका निराकरण करते हैं।